गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। तो बेसिकली आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, राइट? तो हमने कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स देखे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, राइट? इफ यू रिमेम्बर, क्विकली अपने नोट्स देखो। सो वी टॉक्ड अबाउट विच ऑल फॉर्मेट्स, वी टॉक्ड अबाउट पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, वी टॉक्ड अबाउट पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। सब लोग अपना नोट्स देखें प्लीज, सब लोग अपना नोट्स देखें, प्लीज लुक एट द नोट्स एवरीवन। मैं बता रहा हूं, सुने ध्यान से। सबसे पहले था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, राइट? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट जब हम बात कर रहे थे, इट वाज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c। तो पहला फॉर्मेट जो था, इफ यू रिमेंबर, वहां पे क्या दिया हुआ था, वहां पे स्लोप दिया हुआ था और एनी वन ऑफ द इंटरसेप्ट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है? And then you would be asked to find out the equation of the line. So generally the y-intercept is provided. It can be positive or negative, right? दूसरा था point slope format. जिस point से line गुजर रही है वो point की coordinate और line की और slope, these two things are provided. तो उससे हमने equation of line कैसे लिखते हैं वो देखा, ठीक है? अगर आप देखोगे वो इक्वेशन आ रही थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तीसरा जो फॉर्मेट था वो था टू पॉइंट फॉर्मेट। टू पॉइंट फॉर्मेट में क्या था, सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हुए थे जिनके थ्रू लाइन गुजर रही है। तो उस केस में हमने इक्वेशन क्या लिखा, क्विकली अपने नोट्स देखो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद आ रहा है, y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। और फिर और लिख के मैंने एक और दूसरा उसका इक्वेशन बताया था, y minus y2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x2। वहां पे एक अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात मैंने ये बताई कि ये दोनों इक्वेशन देखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें सॉल्व करोगे कंप्लीटली तो दे विल टर्न आउट टू बी द सेम इक्वेशन। लास्ट जो फॉर्मेट था वो था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स दिए जाएंगे और आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका क्या था, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट विथ साइन प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट विथ साइन। यू रिमेम्बर, फिर से बोल रहा हूं, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट विथ साइन प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट विथ साइन is equal to 1। ये था हमारा fourth form of equation of straight line। कल मैंने इसका पूरा notes लिखाया था, इसलिए मैंने कोई एक recap करवा दिया। Are you all in sync now? क्या आपको याद आ गया? क्या आपको याद आ गया? बोलना पड़ेगा। Are you all in sync now? क्या आपको याद आ गया? बोलें please। You all able to recall it? जिसको थोड़ा सा issue है, वो कल वाला जो lecture है, उस lecture को follow कर सकता है। The lecture is available in YouTube. Rajas Physics YouTube channel, you can visit and you can get hold of that particular lecture and you will be able to understand what I am saying. तो ये चार format equation of straight line के थे। अब it is our understanding, it is our knowledge कि कैसे हम, सुने ध्यान से, कैसे हम equation of straight line निकालते हैं by looking at what is provided and which form of equation of straight line can be used. थोड़ा सा उस पर practice जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में शायद कन्वर्जन नहीं हो। आईसीएससी वाले तो हैं, बट सीबीएसई वाले और स्टेट वाले शायद नहीं है। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सपोज लुक एट दिस, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन। सपोज इफ आई से फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं, फिर समझेंगे कि इसका फिजिक्स का एस्पेक्ट क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग स्लोप 1/2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग स्लोप 1/2। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करोगे, विच फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट डिसाइड करें, कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए। सब लोग करो क्विकली, आंसर बताओ क्विकली, बहुत आसान है ये। कौन सा फॉर्मेट है, चार में से सही फॉर्मेट आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फॉर्मेट है? एवरीवन, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, वेरी गुड।
तो फॉर्मेट क्या है, पॉइंट स्लोप। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट लिखते कैसे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, वेर एक्स वन वाई वन इज द कोऑर्डिनेट जिसके थ्रू लाइन क्रॉस कर रही है एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यू रिमेम्बर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आया, तो लेट्स नाउ राइट इट डाउन, y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 3, स्लोप कितना है माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन विच इज 2। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये आया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सुने ध्यान से, ये आया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं इस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करें तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे प्लॉट करने के लिए? अगर मैं आपको बोलूं इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करें ये कैसा दिखेगा, तो क्या टेक्निक यूज करोगे? बताया गया है, जल्दी बोलो क्या टेक्निक यूज करोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, क्या सिखाया गया था, क्विकली बोलो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, क्या सिखाया गया था बोलो। गुड गुड, आई एम सीइंग आंसर्स, गुड गुड। क्या करना, इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी गुड, प्लीज इसे कन्वर्ट करो इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या ये हो जाएगा 2y by 8 plus x by 8 is equal to 1, so this one will boil down to y by 4 plus x by 8 equal to 1। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट आएगा 0,4 और x कोऑर्डिनेट आएगा 8,0 और आपकी लाइन कुछ इस प्रकार आएगी। क्या बात समझ में आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या क्लैरिटी है ये? तो इक्वेशन भी निकाल लिया, ये दिखेगा कैसे, सब कुछ निकाल लिया, क्या क्लैरिटी है एवरीवन? ओके, एक और सवाल करो, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, क्या सबको क्लैरिटी है? आपने इक्वेशन भी निकाल लिया और इसका प्लॉट कैसे होगा ये भी समझ लिया। एक्चुअली सुने ध्यान से, एक्चुअली कोऑर्डिनेट जो आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्मेट ये जो आपने पढ़े हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, सुने, ऑब्जेक्टिव ये है आपको लर्न क्या करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस डिस्कशन। ऑब्जेक्टिव इज दैट अगर आपके पास इक्वेशन है तो ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ है तो इक्वेशन आना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या बोला मैंने, अगर इक्वेशन है तो ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ है तो इक्वेशन लाओ, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। इक्वेशन है तो ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ है तो इक्वेशन लाओ, राइट। और तीसरा, कुछ भी नहीं है, कुछ अलग चीज है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो फिर ग्राफ निकालो। अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं है, तो पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो फिर उसका ग्राफ बनाओ, बस यही तीन केसेस हो सकते हैं, और क्या, फिजिक्स में यही तीन केसेस लगेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थ्री थिंग्स इन फिजिक्स, की आपको अगर इक्वेशन दिया है तो ग्राफ बना लो, ग्राफ दिया है तो इक्वेशन निकाल लो, और अगर कुछ भी नहीं दिया है गिवन कंडीशन से, पहले इक्वेशन निकालो फिर ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, ठीक है। तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं फील करें, कुछ गिवन कंडीशंस होंगी उससे पहले इक्वेशन निकालो फिर उसका ग्राफ बना लो, बस यही तीन चीजें फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है मैथ्स की, दैट्स ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है, समझ में आई बात। आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सब लोग सॉल्व करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड -1,4। बताइए तो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड -1,4 एंड ड्रॉ द और प्लॉट द लाइन, ड्रॉनिंग प्लॉट द लाइन, दोनों पार्ट करने हैं आपको, खटाक से बोलो। ये एक बेसिक टेक्निक है जो आपको क्लियर होना चाहिए, काम आएगा, बहुत काम आता है फिजिक्स में, क्योंकि हमें हमेशा यू नो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर चाहते हैं कि आपको ग्राफिकल फॉर्म में कुछ दे दिया जाए, तो पहले इक्वेशन निकाल लो,
या इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो उसका ग्राफ प्लॉट करो। और जनरली सबसे फेवर्ड, वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड चॉइसेस होते हैं ग्राफ्स की, स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ्स। तो कोऑर्डिनेट आपको बहुत काम आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेटिक कर्व्स, मतलब सॉरी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक कर्व्स, ये दोनों की आपकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए। क्यूबिक कर्व्स उतना ज्यादा नहीं आता है फिजिक्स के सिलेबस में, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले बताएंगे इसमें फॉर्मेट कौन सा लगेगा। एनीवन, फॉर्मेट, गुड। आपको अभी समझ में आ गया, आई थिंक यू आर वेरी फास्ट इन डू दिस। यस, टू पॉइंट फॉर्म, वेरी गुड, इट इज अ टू पॉइंट फॉर्म। अब आप क्या करें, आप सिर्फ एक बात याद रखिए, जब मैंने इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन डिराइव किया था तो मैंने आपको बताया था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फील करना, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ये दो फॉर्मेट, ये दो फॉर्मेट है, क्लियर है, ये दो फॉर्मेट है। बट इन दोनों से सेम इक्वेशन आएगा, प्रूव करो, कन्विंस योर सेल्फ दैट यू विल गेट द सेम इक्वेशन। डू इट एवरीवन। एक बार आप y1 x1 y1 ये वाला ले लो, दूसरी बार जब y2 x2 ले रहे हो तो ये वाला ले लो और सॉल्व कर लो क्विकली, फास्ट, टेक वन मिनट टाइम, गेट मी द आंसर, और फिर उसको प्लॉट भी दिखाना है। आइए, y माइनस, सपोज इफ आई से दैट दिस इज योर x1 कॉमा y1, आई एम राइटिंग इट हियर, एंड सपोज इफ आई से दिस इज योर x2 कॉमा y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 व्हिच इज 2। ये इक्वेशन आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 बाई 3, तो इट इज माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। ठीक, अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो हमने दो डिफरेंट फॉर्म्स लिखे थे क्या हमें सेम आंसर मिल रहा है। यानी चलिए y माइनस, सपोज इफ आई डू y2, y माइनस 4 लिखा मैंने इसमें, स्लोप तो वही आएगा और x माइनस माइनस 1 दैट इज x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो 3y प्लस x इज 12 माइनस 1 इज 11। देखो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 x माइनस x1 करो, या y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2 करो, सेम आंसर आता है। डू नॉट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज कि इसमें अलग कोऑर्डिनेट लिख दिया क्या आंसर अलग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सेम आएगा। क्या क्लैरिटी आई है? सो 3y प्लस x इज इक्वल टू 11। अच्छा, अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए क्या तरीका बताया आपको, क्विकेस्ट, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में इसे चेंज कर लें। तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन 11 बाई 3 प्लस x अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। आर यू सीइंग इट? बस एक लाइन में खत्म हो गया, खत्म हो गया। आपको दिखने लगा अच्छा ग्राफ ऐसे होगा, इतने फास्ट जब आप हो तो आपको अगर कोई चार ग्राफ दिए रहेंगे और आपको एक करेक्ट ग्राफ चूज करना पड़ेगा, खड़ाक से आप चूज कर लोगे। y कोऑर्डिनेट 11 बाई 3 है समवेयर हियर, और x कोऑर्डिनेट 11 है समवेयर हियर। ये थोड़ा सा लंबा इस टाइप का जाएगा, समवेयर हियर सपोज। तो आपकी जो ग्राफ आएगी इट बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? इट बी समथिंग लाइक दिस, ये आपका ग्राफ है। क्या क्लैरिटी है? ये y का इंटरसेप्ट है 11 बाई 3, x का इंटरसेप्ट है 11। So this is what the graph is. क्या क्लैरिटी है ये? तो फिर से बोल रहा हूं, आपसे रिक्वायर्ड क्या है, कोऑर्डिनेट का कौन सा एस्पेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए? कोऑर्डिनेट का फिजिक्स में एस्पेक्ट ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं क्या आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ निकाल सकते हो,
ग्राफ है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिराइव कर सकते हो, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्लैरिटी है, क्लियर है, पक्का? ठीक, तो ये आपके यू नो फॉर्मेट्स हैं। तो मैंने दो एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि सपोज आपको ये बोल दें कि अ स्ट्रेट लाइन, सुने ध्यान से, अ स्ट्रेट लाइन हैज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स एज प्लस टू एंड माइनस फोर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लॉट इट, प्लॉट इट। बोलो, ओरल है ये तुम्हारे लिए, इंटरसेप्ट फॉर्मेट है, जल्दी बताओ। इंटरसेप्ट फॉर्मेट है तो प्लॉट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्या होगा, खटाक से बोलो, x डिवाइडेड बाय क्या करूं, y डिवाइडेड बाय क्या करूं, इक्वल टू वन आएगा। बोलो x डिवाइडेड बाय क्या करूं, x इंटरसेप्ट है प्लस टू, y इंटरसेप्ट है माइनस माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो आपको दिख रहा है ना ये ग्राफ कैसे आएगा, वेरी गुड। ये ग्राफ कैसे आएगा, बहुत आसान है, फील करो, ओरल है ये सब तुम्हारे लिए। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करना है, x की वैल्यू प्लस टू है, y की वैल्यू माइनस वन है और ग्राफ हमारा ऐसा है, खत्म। ये आया मेरा ग्राफ, समझ में आई बात, एक लाइन में खत्म हो गया, मतलब वी हैव अ गुड क्लैरिटी। ठीक है, गुड। तो कोऑर्डिनेट में ये एस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, जनरली यही एस्पेक्ट आपको कोऑर्डिनेट में काम आता है। ठीक है, इससे इससे ज्यादा आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक समझना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा होता है, वी हैव अंडरस्टूड इट, वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, याद है आपको क्वाड्रेटिक कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। इट कैन बी ईदर वाटर होल्डिंग पैराबोला और वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला। तो वाटर होल्डिंग पैराबोला वो होता है जिसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला कौन होता है जिसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है। ये एक तरीका है। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे कि कैसे पता चलेगा कि बिटवीन टू पॉइंट्स जिसके थ्रू पैराबोला गुजर रहा है, पैराबोला ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताई थी, राइट। दो पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट देख लो, वाई की वैल्यू निकाल लो और कुछ कुछ कर लो। यू रिमेम्बर, यू रिमेम्बर, याद आ रहा है आपको एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? तो कोऑर्डिनेट का ये एस्पेक्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है। अब सुने ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैथ्स में, सुने ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैथ्स में, ठीक है, सुने ध्यान से, मैथ्स में जनरली एक्स और वाई में क्या होते थे, लेंथ ही होते थे, मीटर सेंटीमीटर लेंथ ही होते थे। लेकिन फिजिक्स में एक्स और वाई में हमारे फिजिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में एक्स और वाई में हमारे फिजिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे कि फील करें, मैं आपको बताता हूं, सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन आपने देखा हुआ है, आपको फील आएगी। सपोज आई गिव यू दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 18, लुक एट दिस प्रॉपरली, v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्या आपको फील आ रही है, v इक्वल टू u प्लस 80, इक्वेशन आपने देखा हुआ है स्टैंडर्ड नाइन्थ में, याद है, v equal to u plus 80, s equal to ut plus half 80 square, v square mass is equal to 2as, ये सब देखा हुआ है आपने, remember? Yes sir. अब सुनो ध्यान से, v equal to u plus 80 में, सुनना ध्यान से, ये v stands for velocity, a stands for acceleration, t stands for time, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, अगर मैं आपको बोलूं आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। अच्छा, ये u भी तो इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है, लेकिन इसको हम एक कांस्टेंट मानेंगे, u को कांस्टेंट मानेंगे और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानेंगे। सो let us see that it is something like v is equal to initial velocity is something 3 meter per second, acceleration is something 2t. तो अगर मुझे v और t के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से देखना v और t के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, बताओ तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, क्या लगता है आपकी समझ के साथ, is it a linear graph between v and t?
सब लोग बोलेंगे ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ हो जाएगा वी और टी के बीच में। स्ट्राइक, इट डिड नॉट स्ट्राइक यू। क्या ये वी और टी का ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा? फाइन फाइन, वी विल सी दैट। फर्स्ट मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, क्या ये वी और टी का ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा? लीनियर ग्राफ है मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा वेलोसिटी टाइम में? अगर वाई एक्सिस में वेलोसिटी लूं और एक्स एक्सिस में टाइम लूं, कैसा दिखेगा बोलो तो? कैसा दिखेगा बताओ, कैसा दिखेगा? हमें पता है v माइनस टू टी इक्वल टू थ्री लिखेंगे और दोनों साइड थ्री से डिवाइड कर देंगे, तो v बाई थ्री प्लस टी बाई थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन। सॉरी माइनस माइनस आएगा ये, या प्लस टी बाई माइनस थ्री बाई टू। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है प्लस थ्री और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है v equal to u plus at, t की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अच्छा, t की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो 3 plus 2t, तो v equal to 3 plus 2t, t की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू जब 0 है v की वैल्यू 3 है, और v की वैल्यू जब 0 है तो 3 की वैल्यू। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूँ। मैथ्स में कोई इशू नहीं था बट यहाँ पे इशू है, मैथ्स में कोई इशू नहीं था बट यहाँ पे इशू है। क्या इशू है मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बोलो, जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी गाइज, सॉरी, अगेन ध्यान से देखना। सो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, सो इट इज v इक्वल टू थ्री माइनस टू टी। क्या क्लैरिटी है ये? v इज इक्वल टू थ्री माइनस टू टी। अभी देखो ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे क्यों मैंने ये माइनस किया मैं आपको समझाता हूँ। बिकॉज देखो फिजिक्स में टाइम का नेगेटिव होने का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब कोई आप रियल वर्ल्ड में उसका कोई मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। अगर हम सिंपल यू नो मैथ्स में देखें तो टी नेगेटिव हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में टी नेगेटिव का कोई फिजिकल मीनिंग या फिर कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत उसको सोचना पड़ेगा उसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसीलिए टी की वैल्यू हम लोग नेगेटिव जनरली नहीं रखते हैं, टी की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर टी कभी भी है, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टाइम एंड वी इंक्रीज द टाइम, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंक्रीजिंग टाइम ओनली। टाइम डिक्रीज हो रहा है, जीरो से पीछे जा रहा है, ऐसा हम नहीं करते। तो अगर मैं थ्री माइनस टू टी करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? वी प्लस टू टी, ये प्लस कर रहा हूं मैं, तो वी प्लस टू टी इक्वल टू थ्री, तो वी बाई थ्री प्लस टी बाई प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू वन। अब इसको देखो ध्यान से, v की वैल्यू कितनी है 3, t की वैल्यू कितनी है 3 by 2, t की वैल्यू 3 by 2 यहाँ पे कहीं पे होगी, और आपका जो ग्राफ होगा, आपका ग्राफ ये होगा, देखो आपका ग्राफ ये होगा, क्वालिटी है ये, आपका ग्राफ ये होगा। सो 3 माइनस 2t, सो v by 3 प्लस t by 3 by 2 इक्वल टू 1, तो ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक है। You are getting this particular graph v equal to u minus at का।
तो ये जो ग्राफ आपका है, अब देखो VT का ग्राफ आपका क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब यहां पे आप फील करना, V is equal to ये 3 है इनिशियल वेलोसिटी माइनस 80। अब ये T का जो कोफिशियंट आ रहा है, दिस इज व्हाट इज द स्लोप, क्योंकि V आप लॉजिकली सोचो Y एक्सिस में वेलोसिटी आया और X एक्सिस में टाइम आया। अगर आप V की जगह पे Y रख दोगे 3 माइनस 2T और इसके जगह पे X रख दोगे, दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग। तो मुझे बताओ इसमें स्लोप कितना है, स्लोप है माइनस टू, स्लोप कितना है, स्लोप है माइनस टू। अच्छा ये स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, सोचो ये जो स्लोप है माइनस टू ये क्या है, फील करें v इक्वल टू u माइनस 80 में वहां पे दिख रहा है इक्वेशन में, देखो वो एक्सेलरेशन है, आर यू गेटिंग अ फील। हाँ, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा, यस और नो, वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है माइनस टू, क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है माइनस टू, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन माइनस टू है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 3 है। तो तुम देखोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। देखो 3 थी तो तुम देखो 3/2 सेकेंड्स पे, इसको फील करना, t इक्वल टू 3/2 सेकेंड्स पे तुम्हारी वेलोसिटी जीरो है, समझ में आ रही है। अच्छा 3/2 सेकेंड से ज्यादा टाइम लिया तो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू 3/2, 3/2, 1.5, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 सेकेंड्स। अगर मैं t की वैल्यू 2 सेकेंड्स रखू तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3-4 व्हिच इज -1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा -1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का मतलब क्या है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये बेसिक एनालिसिस करना सीखो। t इक्वल टू 2 सेकंड पे कैसे करेंगे, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बना दिया है, t इक्वल टू 2 सेकंड रखा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो इसको कैसे समझते हैं, याद करो यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस, ये ग्राफ को कहीं पे कट करता है, फिर वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी कितनी आ रही है, इक्वेशन में पुट करो t इक्वल टू 2, तो 3-4 क्या -1 मीटर पर सेकंड होगा, एवरीवन यार रिस्पॉन्ड करो, क्या -1 मीटर पर सेकंड होगा, तो -1 मीटर पर सेकंड होगा, मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू हो गई -1 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी दैट वी आर हैविंग, दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी दैट वी आर हैविंग, क्या क्लैरिटी है ये, हाँ याना, यस और नो, हाँ। अब इसको फील करना, अब इसको फील करना, देखो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड हो रहा है एंड लाइक दिस। अच्छा अब इसको देखो, ये आप बिकॉज फिजिक्स कर रहे हो तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी +3 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 3/2 सेकंड पे वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको फील करो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा सोचो, t इक्वल टू जो वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इधर जा रही थी, +3 मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी किस तरफ थी, पॉजिटिव x एक्सिस में। लॉजिकली फील करो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बट ये मेरे को जस्ट अभी मैथ्स ही बताना है, बट थोड़ा सा आइडिया फील करो, t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी थी इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, कितनी थी +3 मीटर पर सेकंड, बट इसकी एक्सेलरेशन किधर थी, इसकी एक्सेलरेशन थी इस तरफ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद करो आपको कुछ सिखाया गया था रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है उसे कहते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है समय के साथ। तो क्या होगा इसका, अगर हम मोशन समझें कैसा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर यहां से घूम के पलटी मारेगा और इधर जाएगा, ऐसे फील करें, तो कहीं पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहां पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, फील करें यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, कहां पे वेलोसिटी जीरो हुई, ये हम ऑलरेडी जानते हैं इस ग्राफ से 3/2 सेकंड्स पे, सो 3/2 सेकंड्स पे वेलोसिटी जीरो हुई,
और फिर वेलोसिटी जीरो होने के बाद लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जैसे ही जीरो हुई एक्सेलरेशन इसको अपनी तरफ खींच के ले गया और वो इस तरफ भागने लगा, और इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ नीचे जाता ही रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी। बट किस डायरेक्शन में बढ़ेगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसीलिए उसकी साइन वेलोसिटी की नेगेटिव आ रही है। क्या फील आई? हाँ सर, बट हाउ वेलोसिटी इज नेगेटिव? देखो वेलोसिटी नेगेटिव होना मतलब, सुने ध्यान से, वेलोसिटी नेगेटिव होना मतलब वेलोसिटी कम हो जाना नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव होना मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रही है। तो वेलोसिटी अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो घट रही है, वो बढ़ रही है, बट माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ क्या शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई, क्लैरिटी नहीं आई। सुनो सुनो सुनो, मैथ्स में जब आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आती है तो यू से दैट, सुनो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैथ्स में, मगर अगर आप मैथ्स कर रहे हो, यानी इफ आई आस्क यू व्हिच इज ग्रेटर माइनस टू, सुने ध्यान से, व्हिच इज ग्रेटर माइनस टू और माइनस वन, मैथ्स का सवाल है, विच इज ग्रेटर माइनस टू और माइनस वन, क्या बोलोगे आप? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, यहां पे गड़बड़ होता है। सपोज इफ आई टेल यू कंपेयर माइनस टू एंड माइनस वन मैथ्स वाइज, विच इज बिगर, माइनस वन, यस और नो? माइनस वन इज बिगर, नॉट माइनस टू। लेकिन अगर हम फिजिक्स के हिसाब से, मैं तुम्हें दो वेलोसिटी कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, कंपेयर माइनस टू मीटर पर सेकेंड एंड माइनस वन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटीज, कौन बड़ा वेलोसिटी है? कंफ्यूजन, माइनस टू मीटर पर सेकेंड। समझे फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है डायरेक्शन। फिजिक्स में माइनस का मतलब वो मतलब नहीं है जो आप मैथ्स में लेते हो। क्या क्लैरिटी है ये? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये सब चीजें आप किनेमेटिक्स में समझोगे, और मुझे ये सब अभी नहीं बताना। आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दिस ग्राफ, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, एंड दैट्स व्हाई आई टॉट यू दिस थिंग, राइट? यस, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गुड गुड गुड, वी विल लर्न अबाउट इट, फाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू गेट द फील ऑफ इट? हाँ, समझ में आया सर। अब देखें आप ध्यान से, समझेंगे आप इसको, समझे इसको। देखिए सपोज मैं आपको बोलता हूं, सुने ध्यान से, अ बॉल इज, देखिए कैसा एप्लीकेशन होता है, अ बॉल इज ड्रॉप from rest from a building, draw its VT graph and AT graph, सुने ध्यान से, confuse मत होइए, a ball is dropped from rest from a building, from the top of a building, draw its VT graph and AT graph, ठीक है, assume downward direction as negative direction and upward direction as positive direction। हम generally physics में यही लेते हैं, फिर भी मैंने यहां पर लिख दिया ताकि आपको कोई problem ना हो। A ball is dropped from rest from a building. ये आपने किया हुआ है स्टैंडर्ड नाइन्थ में, याद करना, मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, फील करना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बिकॉज इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट बोला है। एक्सेलरेशन जो आपकी है बिकॉज यू हैव ड्रॉप्ड इट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो एक्सेलरेशन है माइनस जी, इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको फील हो रही है? Why minus g? Because acceleration due to gravity is always directed towards the center of the earth.
अब यहाँ पे आपको ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज यू नो स्टैंडर्ड 9 10th में कुछ अलग ही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं. फिलहाल मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ कि वो सब साइन कन्वेंशन आप स्टैंडर्ड 9 10th में जो पढ़े हो उसे थोड़ा सा भूल जाओ, क्योंकि वो काफी मिसलीडिंग है और आप 11 12th में उसके बारे में काफी आपको दिक्कतें होंगी. देखो एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ कुछ भी जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, कुछ भी जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो उसको हम लोग क्या लेंगे नेगेटिव, और कुछ भी जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो उसको क्या लेंगे पॉजिटिव. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ भी जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो उसको क्या लेंगे नेगेटिव, और कुछ भी जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो आउट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन उसको हम लोग लेंगे क्या पॉजिटिव. क्या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड है तो माइनस लेंगे. अच्छा v क्या होगा किसी भी टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी ये निकालना है, और टाइम क्या है टाइम t है. तो अब ध्यान से देखो ये वेरिएबल्स आपके पास है कीवर्ड्स, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे. आपके पास चार इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको अगर याद होगा v इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. जनरली आप तीन ज्यादा यूज करते हो और एक होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, याद है आपको. बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, क्या पहले वाला यूज करोगे. मैं सिखाऊंगा इसका टेक्निक क्या है फिजिक्स में, बट अभी तो फिलहाल लग रहा है कि पहला वाला यूज करेंगे. तो यूज करेंगे और पहला वाला, तो वेलोसिटी आ जाएगी u इज जीरो माइनस जी टी, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? v इज इक्वल टू माइनस जी टी आएगा. क्या क्लैरिटी है ये? हाँ, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी आया. अब अगर मैं आपको बोलूं इस इक्वेशन को आप ग्राफिकली प्लॉट करो, कैसे प्लॉट करोगे आप v इज इक्वल टू माइनस जी टी, ये ग्राफ कैसा होगा कोई बता सकता है? y एक्सिस में वेलोसिटी लो और x एक्सिस में टाइम लो, कैसा ग्राफ होगा इसका? v इज इक्वल टू माइनस जी टी, ये वाला ग्राफ कैसे होगा? आपने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उसको यूज करो. कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे y एक्सिस की जगह पे v है और x एक्सिस की जगह पे t है. आप चाहो तो इसको y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स लिख लो. क्या आपको दिख रहा है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा, कैसे बनेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई बता सकता है? विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यार तुम लोग सही में ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या y is equal to mx, आपने equation of the line नहीं पढ़ा है? इसमें intercept zero है, मतलब it is a line passing through the origin. Yes or no? तो ये graph कैसे होगा? क्या ये graph इस प्रकार कुछ होगा? सब लोग बोलेंगे will it be something like this? नहीं आया समझ? Will it be something like this? Everyone, y is equal to minus gx, क्या ये negative slope होगा? अब मैं टाइम को नेगेटिव में नहीं ले जा सकता, इसलिए मैंने इस साइड में ग्राफ बनाया ही नहीं, क्योंकि टाइम को मैं नेगेटिव में नहीं ले जा सकता. तो क्या ये ग्राफ बनेगा मेरा? नहीं आया. क्या ये मेरा ग्राफ बनेगा वाई इज इक्वल टू माइनस जी एक्स का, और जहां पे वाई की जगह पे वी है और एक्स की जगह पे टी है, तो वी इज इक्वल टू माइनस जी टी, क्या ये ग्राफ बनेगा मेरा? सो इसको इस ग्राफ को फील करें, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ले. ये वी टी ग्राफ है, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, बराबर है, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, और जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन को क्या लिया है नेगेटिव. अब यहाँ पे सुने ध्यान से, एक सेकेंड, आई थिंक यू आर कंफ्यूज, यू आर थोरली कंफ्यूज, एक सेकेंड आई विल होल्ड. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? एवरीवन, सिंपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, डरो मत. लेकिन अब ये फिजिक्स का एस्पेक्ट है, तो एक्स और वाई कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज या वेरिएबल्स हैं, इनको समझें. क्या सब लोग समझ पाए हो? एक सेकंड होल्ड, तना है, प्लीज नॉट रेस्पॉन्ड नाउ. सब लोग बताएं कि आपको समझ में आया मैंने क्या बोला. बोलो तो, समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, मैं अभी यहां से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया. अब आप इसको थोड़ा सा फील करें. नहीं आया समझ? क्या नहीं आया? व्हाट यू डिडंट अंडरस्टूड? Tell me what you didn't understood. बोलो, क्या समझ नहीं आया? क्या आपने कल का लेक्चर देखा है? आप जैसे ऐसे ही आ गया?
देखो छोटी छोटी मैथ्स के जो स्टैंडर्ड 8 9 10th की मैथ्स है उसमें एक लेक्चर छोड़ने से आपका ये हाल है। आप जब 11 12th में जाओगे आपको प्रॉपर ट्रैक रखनी पड़ेगी क्या लेक्चर में क्या हुआ है। अगर मैं एक लेक्चर मिस करता हूँ या करती हूँ तो मुझे वो पढ़ के जाना है दूसरे लेक्चर में, अदरवाइज दूसरे लेक्चर में क्या हो रहा है सब ऊपर से निकल जाएगा मेरा। क्या समझ में नहीं आया? देखो v इक्वल टू माइनस gt, क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आया है? सर व्हाई द लाइन इज एक्सटेंडेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाई द लाइन इज एक्सटेंडेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा मुझे एक बात बोलो, y इक्वल टू माइनस gx अगर मैं बोलूं, ये y और ये x है, y इक्वल टू माइनस gx नेगेटिव स्लोप है ये, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव स्लोप मतलब कैसा होगा ग्राफ? पहला तो ये ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो ऐसे जाएगा आपका ग्राफ या फिर आपका ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे ही जाएगा, यही दो केस पॉसिबल है। अब आप थोड़ी सी अक्कल लगा के बोलो इन दोनों में से कौन सा आपका सही इक्वेशन होगा, बोलो कौन सा सही इक्वेशन होगा, बोलो वन और टू में से कौन सा सही इक्वेशन होगा वन और टू में से? कौन सा सही इक्वेशन होगा तुम ही बोलो, टू। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। देखो यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना है, ये एंगल क्या एंगल है? ये एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल का टेन थीटा पॉजिटिव होता है, याद करो एकदम बेसिक लेक्चर में जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाई गई है तब आपको ये बताया गया है। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप एब्सेंट होना तो पुराने लेक्चर्स देख के आया करो, नहीं देख के आओगे अभी मुझे फिर से स्लोप क्या होता है टेन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे वन वाले जो वन वाला लाइन है, क्या वन वाला लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या वो एक्यूट एंगल है? और एक्यूट एंगल का अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं क्या वो पॉजिटिव होता है? आप खुद सोच सकते हो 0, 30, 45, 60, 90 इनका जब आप टेन थीटा निकालते हो क्या वो पॉजिटिव होता है? हाँ। और अगर सेकंड वाला लाइन देखूं तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? मेनी ऑफ यू विल नाउ स्टार्ट हेटिंग फिजिक्स, क्या है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इससे पहले वाला लेक्चर देख के आओ। तो ये जो एंगल है ये एंगल मान लो है थीटा, सुने ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा डैश बोला मैंने। ये थीटा डैश क्या है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो इसीलिए आपका जो ग्राफ आएगा ना वाई इक्वल टू माइनस जी एक्स का या वी इक्वल टू माइनस जी टी का, ये ग्राफ आपका सेकेंड वाला ग्राफ आएगा। लेकिन वाई फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ क्यों एक्सटेंड नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को इधर एक्सटेंड कर देता तो टाइम नेगेटिव में चला जाता है, और टाइम नेगेटिव का फिजिक्स में कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या मेरी बात समझ में आई है? अरे फिजिक्स है भाई, कि मैथ्स नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू ले लो। टाइम का नेगेटिव का क्या मतलब है? यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट, राइट? टाइम का नेगेटिव का क्या मतलब है? मैं कुछ एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा भी टाइम का नेगेटिव का मतलब, that will come in the later stage. ठीक है? I hope you understood it. क्या क्लैरिटी है ये? Good. क्या क्लियर है ये? Did you understand this? Good. तो देखो ऐसे देख रहे हो ना आपको कैसे आपको एक सिचुएशन दे दिया, फिजिकल सिचुएशन, और आपको उसमें से ग्राफ निकालने के लिए बोला। ये सिचुएशन हो सकता है। अब देखो आपने VT ग्राफ निकाल लिया, आपने VT ग्राफ निकाल लिया, फील करो, घबराओ मत, बट प्लीज कम प्रिपेयर्ड, है ना? ऐसे अदरवाइज क्या होगा ना, पुरानी चीजें नहीं करके आओगे, मिस कर जाओगे, तो फिर लिंक नहीं बैठता है। फिजिक्स में लिंक बैठना बहुत जरूरी है, और लिंक आपको मैं बताऊं, फिजिक्स का एक चैप्टर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये कहीं और नहीं आएगा। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है या सब्जेक्ट है जिसमें आपने कुछ पढ़ा है तो उसके एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पर आता ही रहेगा। फिजिक्स में ऐसे बहुत कम टॉपिक्स हैं जो स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं कि उनका कहीं पे कोई और एप्लीकेशन नहीं। मैक्सिमम टॉपिक का एक पढ़ा आपने टॉपिक, उसका एप्लीकेशन आपको अलग अलग जगहों पे मिलेगा। तो लिंक बैठना जरूरी है, पहले दिन से समझना कि अगर मैंने किसी टॉपिक को बोला है कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, हर एक टॉपिक में ये आता रहेगा, तो
तो आपको ये इंश्योर कर रहा है कि आप उसको समझ रहे हो अच्छे से, क्योंकि अगर वो हर टॉपिक में आ रहा है और अगर आपका वो वीक रह गया तो हर टॉपिक आपका वीक होता जाएगा, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो वैसे ही ये बेसिक मैथ्स टूल किट है, अगर ये समझ नहीं आएगा ना बाद में जाके फिर गड़बड़ होती रहेगी। अच्छा, क्या मुझे आप एटी ग्राफ बना के दिखा सकते हो? एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा सोच के बताओ, तो थोड़ा सा अक्कल लगाओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है मतलब फिर से मुझे ग्राफ पेपर में मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, मैं इस बार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेता ही नहीं हूँ, मेरा ग्राफ ऐसे होगा, सुनो ध्यान से, ये मेरा टाइम है, देखो ये मेरा टाइम है और ये मेरा एक्सेलरेशन, ठीक है, मैंने नेगेटिव साइड में लिया ही नहीं, कैसे होगा, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ विल बी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सोचो फिजिकल सिचुएशन में जो देख रहे हो उसको ग्राफ में रखने की कोशिश करो। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड, वेयर इट विल बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो तरफ हो सकता है, इधर ऐसा या ऐसा, कौन सा ग्राफ होगा बोलना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड, कौन सा ग्राफ सही ग्राफ है, सब लोग बोले बिलो, क्यों क्योंकि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, वेरी गुड, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, सुने ध्यान से, एक्सेलरेशन नेगेटिव जब मैंने बोला तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जैसा बोल लो, वाई एक्सिस ही है, वर्टिकली कितना है, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसीलिए हमने सेकंड लिया। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, डू नॉट मिक्स देम। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैंने माइनस जी बोला उसको, माइनस जी, जी मतलब 9.8, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिटार्डेशन है, ये फिजिक्स है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा, वो मैं समय टाइम पे बताऊंगा, अभी फिलहाल आप यू हैव लर्न समथिंग and that is a misconception that you are able to manage through in whatever is coming at your standard 10th level, but concept ye hai ki acceleration ka sign negative aane se ye siddh nahi hota ki wo retardation hone ke liye kuch aur condition hai jisko samajhna padega ki ab kya ye acceleration ko hum log positive manenge, matlab ye you know isko retardation manenge ya nahi manenge, तो ये चीज मैं किनेमेटिक्स में डील करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन का कौन सा ग्राफ है, सेकंड वाला ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे क्या ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव आ रहा है, टू है, तो क्या ये रिटार्डेशन है, फिलहाल के लिए अपना कॉन्सेप्ट में ये बात रखो कि ये रिटार्डेशन है या नहीं, हम ऐसे बता नहीं पाएंगे, रिटार्डेशन बताने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी देखते हुए हम बताते हैं कि कोई एक्सेलरेशन क्या रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा है उस सिचुएशन में, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको किनेमेटिक्स में बताया जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, फिलहाल क्या आपको समझ में आई बात, यस और नो, समझ में आई बात, यस और नो, क्लैरिटी है, वेरी गुड वेरी गुड, अब देखो वेरी गुड, तो आपने ये कर लिया, आपको ये समझ में आएगा, कुछ बेसिक केसेस आपने किए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूं, आई डोंट, जस्ट थोड़ा सोचना, थॉट प्रोसेस चाहिए यहां पे। अगर मैं आपको बोलूं अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, सुनना ध्यान से, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, draw its displacement versus time graph, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, सोचना, अकल लगाना,
किस टाइप का ग्राफ बनेगा, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। आपके पास तीन इक्वेशन है, v is equal to u plus at, v square minus u square equal to 2as, s is equal to ut plus half at square, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे ये सोचना, और सोचने के बाद उस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करना, ये आपको करना है। ठीक, ये आपको करना है। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? करोगे? करना, ट्राई करना। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा उसका समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। क्या ये ग्राफ लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, ये आपको डिसाइड करना है। इट्स अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू, थिंक अबाउट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट का अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेट में जनरली हम यही यूज करते हैं। इसके बाद हमें कभी कभार यूज करने का मौका मिलता है यू नो मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर हमने जो यू नो किस रेशियो में डिवाइड करेगा एक पॉइंट दो पॉइंट्स को, या फिर 3:4 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं दो पॉइंट के बीच की दूरी को, तो जो पॉइंट होगा जो उसको 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऐसा आपने किया हुआ है पक्का सवाल, जिसे हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अरे कोऑर्डिनेट्स निकालने का भूल गया क्या? सपोज एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या आता है 1 × x2, फिर ये 1 × x1, याद आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1+1। यू रिमेम्बर इंटरनल बाइसेक्शन बोलते हैं इसे। वेरी गुड, वेरी गुड। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा मिड पॉइंट का? इट विल बी 1 × y2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। ये शायद सीबीएसई वालों को भी पता होगा, क्योंकि मिड पॉइंट या बाइसेक्शन ये उन्होंने भी किया है। क्या ये आ जाएगा y1 + y2 / 2? क्या सबको समझ में आ रहा है? अब ऐसे ऐसे सपोज मैं, सुनो ध्यान से, मैं इसको m:n रेशियो में डिवाइड करता हूँ। दिस m एंड n कैन बी एनी नंबर्स। m:n रेशियो में मैं सपोज डिवाइड करता हूँ, ठीक है? तो उस केस में x कोऑर्डिनेट का जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? m:x2 + n:x1 / m+n, और ये क्या हो जाएगा m×y2 + n×y1 / m+n। तो इससे हम किसी भी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को, तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। ये भी हम यूज करते हैं कभी कभी, तो ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। याद रखने का सिंपल तरीका, आई थिंक ये सीबीएसई वाले ने, स्टेट बोर्ड वाले ने, सबने किया है इसको। यस यस और नो? इसका आपने देखा, मैं बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन आपने कैसे बनाए होंगे। आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले होंगे, आपने आपने मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाले होंगे। यस और नो? कैसे निकाला है? मीडियन का आपने ट्रायंगल का वर्टेक्स ले लिया, मीडियन जो होता है वो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, उस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। तो वो रेशियो यूज करके आपने 2 × समझ में आ रहा है? आई होप यू गॉट इट राइट। आपने ये सवाल पक्का सॉल्व किया होगा बोर्ड्स के लिए। यस और नो? यू रिमेम्बर? अरे यार, हाँ या ना? यस और नो? यू रिमेम्बर? हाँ हाँ, याद आ रहा है, ऐसे सवाल किए हैं। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये भी काम आ जाता है कभी कभार। तो इसीलिए ये थ्योरम को हम लोग बोलते हैं कि जस्ट दिमाग में रखो, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा लेकिन आ जाता है कभी कभार, ठीक है ना? आ जाता है। ठीक, अब सुनो, अब ये कोऑर्डिनेट का हमने एक रफ कट आइडिया ले लिया कि कोऑर्डिनेट में बेसिकली हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा, कोऑर्डिनेट में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को भी फिलहाल नोट करके रखें, ये काम आएगा। देखो, अगर हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर ग्राफ है हमारे पास, सुनना ध्यान से, लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर ग्राफ है अगर हमारे पास, तो उसकी जो स्लोप होती है ना, स्लोप कांस्टेंट होती है। लीनियर रिलेशनशिप जब भी हमें दो वेरिएबल के बीच में मिलेगा, उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इट विल बी अ
it will be a number. It can have some units, but it will be a plain number and it will be constant throughout. जैसे कि सुनना ध्यान से, तुम्हें फील आएगी जब मैंने ये लाइन बनाया, सुनो ध्यान से, जब मैंने ये लाइन बनाया, इस लाइन में तुम यहाँ का स्ट्रेच ले लो, यहाँ का स्ट्रेच ले लो, ये वाला स्ट्रेच ले लो, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करते हुए स्लोप निकालो, क्या स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा? अगर मेरे पास एक लीनियर ग्राफ है, सुनना ध्यान से, लीनियर ग्राफ का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, क्या तुम ये बात फील करते हो? लीनियर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्या तुम्हें ये बात फील हो रही है? क्या बात है, लीनियर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्या तुम्हें ये बात फील हो रही है? हाँ सर, कोई भी लीनियर ग्राफ देख लो, अब तक हमने जितने भी खींचे हैं सारे ग्राफ का देखो स्लोप देख लो, तुम ये दो पॉइंट कंसिडर करो, ये दो पॉइंट कंसिडर करो, ये दो पॉइंट कंसिडर करो, इसको इसको कंसिडर करो, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लो इस लीनियर ग्राफ में, आपको स्लोप हमेशा सेम मिलेगा, यस और नो? ये बात तो सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम फिजिक्स में एम्प्लॉय करते हैं, क्या कि लीनियर रिलेशनशिप अगर है, लीनियर ग्राफ अगर है, लीनियर रिलेशनशिप है मतलब, लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, ये तो एकदम चिरंतन सत्य है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, लीनियर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट विल बी अ कॉन्स्टेंट, क्या क्लैरिटी यही है? लेकिन अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप हुआ, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में जो स्लोप होता है, स्लोप वेरिएबल होता है, ये आपको सिखाया जाएगा, चिंता ना करें, फिलहाल अपने मन मंदिर में ये बात बिठाएं कि ये चीज सर ने बोला था हमें अपने दिमाग में सेट रखने के लिए, ये मैं आपको समझाऊंगा राइट टाइम पे, इसके लिए थोड़ा सा हमें यू नो समझना पड़ेगा कि क्या होता है स्लोप, थोड़ा सा कैलकुलस की जब समझ आ जाएगी ये फील आ जाएगी, लेकिन फिलहाल याद रखिए अगर लीनियर रिलेशनशिप है मतलब स्ट्रेट लाइन है तब तो स्लोप कांस्टेंट है, कोई भी दो पॉइंट ले लो उस स्ट्रेट लाइन में, कोई भी दो पॉइंट ले लो उनका स्लोप निकालो, कोई भी दो पॉइंट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, सबका स्लोप सेम आएगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो अगर हम अलग अलग पॉइंट लेंगे स्लोप अलग अलग आता जाएगा, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में या नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एनीथिंग बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ कर्व, इट विल बी अ कर्व, क्या चमका है, इट विल बी अ कर्व। तो अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ कर्व, क्या क्लैरिटी है ये? और अगर कर्व है तो कर्व की स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होगी। इसको पता है फील कैसे करें विदाउट एनी मैथमेटिक्स, कैसे मैं एक बच्चे को इसकी फील दिलाऊं? सुनना, अच्छी बात बता रहा हूं, सुनना भी जाए, एकदम प्रैक्टिकल है ना, तुम्हें फील आ जाएगी। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको तुम एक पहाड़ मानो, इस पहाड़ को तुम्हें चढ़ाई करनी है, ट्रैकिंग। तो अगर तुम इस पहाड़ को ट्रैकिंग करोगे, मान लो इसकी स्लोप ये लीनियर है, लीनियर है मतलब इसकी स्लोप हर जगह सेम है, तो यहां पे जितना पसीना बहेगा यहां पे भी उतना ही पसीना बहेगा, यस और नो? क्योंकि हर जगह पे स्लोप सेम है। लेकिन अगर नॉन लीनियर ग्राफ है, मान लो मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा है, पैराबोला, पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला ऐसे, तो फील कर लो जब ट्रैकर यहां पे चढ़ेगा तो उसको कम पसीना बहाना पड़ेगा, जब ट्रैकर यहां पे होगा भाई साहब बाल्टी भर जाएगा, और जब ट्रैकर यहां पे है फिर तो समंदर बाढ़ आ जाएगी, क्या क्लैरिटी है ये? क्या वो हर जगह पे जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाएगा क्या उसको ज्यादा स्टीपनेस मिलेगा पहाड़ का? अरे बाप क्या बोल दिया, पता नहीं मैथमेटिक्स ही सही था। अरे फील आई क्या? अगर मेरे पास एक एक स्ट्रेट लाइन स्लोप हो तो मैं इनिशियल पॉइंट में जितना मेरे को एफर्ट मारना पड़ेगा फाइनल पॉइंट पे भी उतना ही एफर्ट मारना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ट्रैक की चढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर मेरा ग्राफ ऐसा टाइप का नॉन लीनियर है, देखो ये नॉन लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। अब कर्व अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मैंने एक कर्व दिखाया आपको, इस कर्व में मैं क्या देख रहा हूं कि इनिशियली मुझे बहुत कम पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ूं भाई साहब वैसे वैसे मेरी पसीने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, स्लोप इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टीपर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं।
तो जैसे जैसे ये स्टीपर होता जाएगा वैसे वैसे मुझे ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगी इसको ट्रैक करना, तो ज्यादा पसीना बहेगा। तो तुम ना स्टीपनेस का आइडिया लगा सकते हो कितना पसीना बह रहा है, जितना ज्यादा पसीना बहेगा उतना ज्यादा स्टीप होगा। ऐसा यूनिफॉर्म पसीना बह रहा है, स्लोप में कोई चेंज नहीं। पसीना ज्यादा बह रहा है समय के साथ, स्लोप स्टीप होता जा रहा है। पसीना कम बह रहा है समय के साथ, स्लोप फ्लैटन होता जा रहा है। ऐसा भी तो फ्लैट हो सकता है ग्राफ, सोचो सोचो लॉजिकली, ऐसा भी तो कोई चढ़ाई हो सकता है। तो इनिशियली बहुत पसीना बहेगा भाई साहब, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे पसीना बहने की क्वांटिटी कम होती जाएगी। यस और नो, क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस और नो एवरीवन, आई होप यू गॉट इट राइट। तो सिंपली एक पर्सन को चढ़ा दो भाई चढ़ाई पे और देख लो कि कितना पसीना बह रहा है, उसकी मेजरमेंट ले लो जो कि आपको जनरली आपका आइडिया बता दे। ठीक है, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू गेट इट। नहीं ऐसा मत बोलो कन्हैया, दिस इज अ प्रूवन थिंग राइट। इसमें जिसको मैथ्स की ज्यादा समझ नहीं होती है वो भी समझ सकता है, तो इसको एक एनालॉजी की तरह लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैथ्स जिसको अच्छा आता है उसको तो ऐसे भी दिखने लगेगा वो, लेकिन जिसको मैथ्स अच्छा नहीं आता है उसको इस बात से समझ आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं अगर इस ग्राफ में आपको बोलूं स्लोप को कंपेयर करो ए बी और सी में, क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? स्लोप एट सी इज मोर देन स्लोप एट बी इज मोर देन स्लोप एट ए। कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ी क्या? कोई मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी? बोलो, कोई मैथमेटिक्स जरूरत नहीं। यहाँ पे कंपेयर करो ए बी सी में, बोलो स्लोप एट ए इज मोर देन स्लोप एट बी इज मोर देन स्लोप एट सी। यहाँ पे ए बी सी क्या बोलोगे? स्लोप एट ए इज इक्वल टू स्लोप एट बी इज इक्वल टू स्लोप एट सी। एस स्टैंड्स फॉर स्लोप, तो मैं एम भी लिख सकता था, एम रख दिया, एस लिख दिया। क्या क्लैरिटी आई है? तो सब जगह पे स्लोप सेम है। बोलो चमका की, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टुडे? कोऑर्डिनेट, क्या आप एक ग्राफ के स्लोप अलग अलग जगह पे कैसा है क्या देख के ग्राफ बता सकते हो? देख के, कोई मैथमेटिक्स अभी मैंने सिखाया नहीं है इसलिए मैं ग्राफ देख के पूछ रहा हूँ बस। बता सकते हो? बता सकते हो कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट है कि अगर हम लीनियर ग्राफ्स की बात करें, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप की बात करें, तो स्लोप हर जगह पे कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम नॉन लीनियर कर्व्स की बात कर रहे हैं तो स्लोप चेंज होगा अलग अलग जगहों पे। क्या ये फील आई? इसको मैं आपको प्रॉपरली कैलकुलस में बताऊंगा और अच्छे से आपको क्लैरिटी भी आएगी। लेकिन फिलहाल इतना कोऑर्डिनेट का अंडरस्टैंडिंग एकदम प्रॉपर है, पूरा ग्रास्प्ड है, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिजिक्स के एग्जांपल्स आपको समझ में आए हैं, ऑब्जेक्टिव सर्व है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल स्टॉप हियर। आई होप यू लर्नड अ लॉट टुडे। थैंक्स फॉर पेशेंस लर्निंग एंड हियरिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।